वैन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। वैन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रयान, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्चेनन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन है। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकेन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनीति एंडी गार्सिया, मेग रयान, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टिन। छायांकन है लाजोस कोल्टाई। संगीत है जबी ग्यून्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टच स्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रयान को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइस पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी, जिसके पिता माइकल है, एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितताई एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है, जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस को एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वैसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है, जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की
उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के लिए साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारिक मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनः वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसा पूर्ण भावुक चुम्बन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रायन ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लॉरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने रहन की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रायन के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक शादी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत अत्यंत पुनर्वर्तित यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनः प्राप्ति कानून का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रायन एंडी गार्सिया और लॉरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि सिर्फ एलिस के ठीक होने
के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के, माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रायन, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्सेनन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन है। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकिन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनीति एंडी गार्सिया, मेग रायन, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टिन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यून्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टचस्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रायन को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइस पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितादायी एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस को एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वह इसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह मुखर
मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के लिए साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारिक मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसपूर्ण भावुक चुंबन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रायन ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लॉरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने रहन की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की सर्व संपत्ति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रायन के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के तल लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत अत्यंत पुनर्वर्तित यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनर्प्राप्ति कानून का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रायन एंडी गार्सिया और लॉरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रयान, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्स्टेन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन हैं। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकेन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनेति एंडी गार्सिया, मेग रयान, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टेन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टच स्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रयान को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइफ पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितदायी एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वह इसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारिक मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसापूर्ण भावुक चुंबन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रायन ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लॉरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की संपत्ति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रायन के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत पुनर्वर्तित यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनः प्राप्ति का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रायन एंडी गार्सिया और लॉरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रयान, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्थेन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन है। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकिन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनीति एंडी गार्सिया, मेग रयान, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टिन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यून्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टच स्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रयान को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइस पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितताई एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस को एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने करियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वैसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के लिए साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारिक मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी, और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसापूर्ण भावुक चुम्बन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रायन ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लोरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने रहन की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की संपत्ति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रायन के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत अत्यंत पुनर्वर्तित इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनः प्राप्ति का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रायन एंडी गार्सिया और लोरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रायन, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्सिनन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन है। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकिन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनीति एंडी गार्सिया, मेग रायन, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टिन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यून्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टचस्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रायन को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइस पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितदायी एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस को एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वैसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के लिए के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारी मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसापूर्ण भावुक चुम्बन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रयान ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लोरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने रहन की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की सर्व संपत्ति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रयान के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के तल लत से गिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत अत्यंत पुनर्वर्तित यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनर्प्राप्ति कानून का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रयान एंडी गार्सिया और लोरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रायन, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्स्टेन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन हैं। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकेन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनेति एंडी गार्सिया, मेग रायन, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टेन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टच स्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रायन को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइफ पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितदायी एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वह इसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारिक मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसापूर्ण भावुक चुंबन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रायन ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लॉरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने रसन की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की संपत्ति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रायन के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत अत्यंत पुनर्प्रतीत यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनः प्राप्ति का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रायन एंडी गार्सिया और लॉरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रयान, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्थेन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन है। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकेन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनीति एंडी गार्सिया, मेग रयान, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टिन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यून्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टच स्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रयान को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइस पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितताई एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस को एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वैसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के लिए साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारिक मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसा पूर्ण भावुक चुम्बन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रायन ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लोरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने रहन की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की संपत्ति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रायन के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत पुनर्वर्तित यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनः प्राप्ति कानून का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रायन एंडी गार्सिया और लोरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रायन, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्सेनन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन है। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकिन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनीति एंडी गार्सिया, मेग रायन, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टिन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यून्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टचस्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रायन को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइस पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितादायी एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस को एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वैसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारी मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसपूर्ण भावुक चुम्बन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रयान ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लोरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने रहन की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की सर्व संपत्ति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रयान के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के तल लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत अत्यंत पुनर्वर्तित यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनर्प्राप्ति कानून का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रयान एंडी गार्सिया और लोरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रयान, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्स्टेन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन हैं। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकेन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनेति एंडी गार्सिया, मेग रयान, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टेन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टच स्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रयान को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइफ पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितदायी एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं, उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वह इसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारिक मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसापूर्ण भावुक चुंबन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रायन ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लॉरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के बीच फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की संपत्ति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रायन के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत अत्यंत पुनर्प्रतीत यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनः प्राप्ति का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रायन एंडी गार्सिया और लॉरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रयान, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्चेन और लारेन टॉम और फिलिप सेमुर हफमैन है। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकिन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनीति एंडी गार्सिया, मेग रयान, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टिन। छायांकन है लाजोस कोल्टाई। संगीत है जबी ग्यून्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टच स्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूनाविस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रयान को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइस पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितताई एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वैसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किए जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के लिए साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारिक मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनः वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसापूर्ण भावक चुम्बन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रायन ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लॉरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरीनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने रहन की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की सर्वसम्मति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रायन के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत अत्यंत पुनर्वर्तित यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनः प्राप्ति कानून का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रायन एंडी गार्सिया और लॉरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टो रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रायन, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्सेनन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन है। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकिन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनीति एंडी गार्सिया, मेग रायन, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टिन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यून्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टचस्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रायन को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइस पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितदायी एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस को एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वैसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारी मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वर्सन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं माइकल को पद लेना चाहिए। एलिस बाद में एक मंच पर खड़ी होती है और अपने संयम की कहानी सुनाती है और इसका असर उस पर, उसके बच्चों पर और उसकी शादी पर पड़ा। उसने दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए और उनका भाषण समाप्त होने पर वे शुभचिंतकों की घिरी होती है और भीड़ से बाहर माइकल दिखाई देता है और अपने और एलिस के साथ सहज होकर वह बताता है कि रास्ते में उससे क्या छूट गया। वे गहन संलालसपूर्ण भावुक चुम्बन की साझा करते हैं। ढालना में दिखे गए एलिस ग्रीन के रूप में मेग रयान ने किरदार निभाया। एंडी गार्सिया माइकल ग्रीन के रूप में नजर आई। एम्बी द बेबी सिस्टर के रूप में लॉरेन टॉम नजर आई। गेरी के रूप में फिलिप सेमुर होफमैन नजर आई। जेस ग्रीन के रूप में टीना मैजरिनो नजर आई। कैसी ग्रीन के रूप में मई व्हिटमैन नजर आई। एमली के रूप में एलिन बर्स्टन नजर आई। उत्पादन गार्सिया की भूमिका के लिए टॉम टैक्स ने रहन की भूमिका के लिए मैक्सेल फीफर और देबरा विंगर के विचार पर किया गया था। स्वागत अहमद बड़ा जवाब जो दिया गया इस फिल्म में 96 समीक्षाओं के आधार पर रोटेन टमाटोज की समीक्षाओं के लिए इस फिल्म में 69% अनुमोद रेटिंग प्राप्त हुआ। साइट की संपत्ति में कहा गया है कि जब एक पुरुष एक महिला से प्यार करता है तो एंडी गार्सिया और मेग रयान के मजबूत प्रदर्शन के लिए मदद में नशे के लत से घिरे विवाह की जटिल गतिशीलता का प्रभाव डाला जाता है। रोजर रॉबर्ट जो खुद एक शराबी है ने फिल्मों को चार में से चार सितारे दिखाए और यह वह बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी फिल्म है कि किस तरह से शराब एक साथी के ताने बानों को प्रभावित करती है। बीमारी के बारे में कई फिल्में इसे सरल बनाती है और तीन चरणों वाली प्रतिक्रिया धीरे धीरे शुरुआत शानदार अंत अत्यंत पुनर्वर्तित। यह कह इतना आसान नहीं है कि अधिकांश शराबी कभी भी खुद को ठीक होने का मौका नहीं देते और पुनः प्राप्ति कानून का शुरुआत है कि अंत नहीं। उन्होंने मेग रयान एंडी गार्सिया और लॉरेन टॉम के अभिनय की प्रशंसा की और कहा कि फिल्म की वो एक ताकत यह है कि
सिर्फ एलिस के ठीक होने के बारे में नहीं है, इसके ठीक होने के माइकल के ठीक होने के बारे में है। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स मूवी के फैक्टोर रिव्यू। व्हेन ए मैन लव्स ए वुमन्स 1994 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो लुइस मांडोकी द्वारा निर्देशित और अल फ्रैंकन और रोनाल्ड बस द्वारा लिखित है। फिल्म में एंडी गार्सिया, मेग रायन, टीना मेजरिनो, मई विटमैन और एलेंस बर्स्टेन और लॉरेन टॉम और फिलिप सेमुर हॉफमैन हैं। फिल्म का निर्देशक लुइस मांडोकी ने किया। लेखक है रोनाल्ड बस, अल्फ्रेकेन। उत्पादित किया गया जॉन एवनेट, जॉर्डन केरनर द्वारा। अभिनेति एंडी गार्सिया, मेग रायन, लॉरेन टॉम और एलेन बर्स्टेन। छायांकन है लाजोस कोल टाई। संगीत है जबी ग्यू प्रिंसर। उत्पादन कंपनी टच स्टोन चित्र और एव नेट ओब्लिक कॉर्नर प्रोडक्शन। वितरित किया गया ब्यूना विस्टा पिक्चर वितरण द्वारा। रिलीज की तारीख 29 अप्रैल 1994। कार्यक्रम 126 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। जब एक आदमी और एक औरत को प्यार करता है तो 29 अप्रैल 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। एक शराबी माँ के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए रायन को मुख्य भूमिका की सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के लिए स्क्रीन एडवर्ड्स गिल्ड अवार्ड से नामांकित किया गया। फिल्म का शीर्षक पर्सी प्लेस के इसी नाम से और गीत से लिया गया था। कथानक एलिस एग्रीन एक स्कूल काउंसलर है जिसे शराब पीने की गंभीर समस्या है और उसकी शादी का एक एयर लाइफ पायलट और माइकल से हुई थी। हालांकि वह हसमुख और प्यारी है लेकिन अक्सर लापरवाह होती है और नशे में होने पर अपने बच्चे की भी अपेक्षा करती है। पिछली शादी से 9 वर्षीय जेस और 4 वर्षीय कैसी जिसके पिता माइकल है। एक दोपहर एलिस नशे में धुत असंगत अवस्था में उनके घर पहुंच में प्रवेश करती है और वह अनिश्चितदायी एमी से बर्खास्त कर देती है और उसे उसके बच्चों के साथ अकेला छोड़ देती है। अभी भी शराब पी रही है लेकिन एलिस का सामना जेस से होता है जो उसके कल्याण के लिए चिंता करता है और बदले में वह जेस को थप्पड़ मारती है जो रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। सोवर में रहते हुए एलिस पीछे हटती है, जेस को बुलाती है और अपने संतुलन को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ होती है जिसके कारण वह सोवर्स के दरवाजे के से बाथरूम के फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। एलिस के मर जाने के डर से जेस माइकल से संपर्क करती है जो तुरंत एलिस के पास रहने के लिए घर चला जाता है। अस्पताल में माइकल और एलिस के शराब पीने के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोनों निर्णय लेते हैं और उसे शराबी अपनी शराब की लत के लिए पेशेवर मदद होनी चाहिए। अस्पताल से रिहा होने पर डरकोप एलिस एक पुनर्वास क्लिनिक में प्रवेश करता है। माइकल अब खुद को उसके घर और बच्चों का खुद मुख्य देखभाल करता पाता है और एयरलाइंस इन पायलट के रूप में अपने कैरियर के साथ साथ वे अपनी भूमिकाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। साथ ही एमी से लड़ता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। और इस बीच क्लिनिक में एलिस फूल रही, उसकी रिकवरी दर्दनाक और लेकिन स्थिर हो रही है और वह इसे स्टाफ और साथी क्लिनिक किराएदारे दोनों के द्वारा सम्मान रूप से पसंद करता है और उसका सामना किया जाता है। क्लिनिक में एक पारिवारिक मुलाकात के दिन एलिस तुरंत बच्चों के साथ अपने टूटे हुए बंधन को फिर से बनाना शुरू कर देती है जिससे माइकल को एलिस की नई जीवन शैली की असुविधाजनक और जगह में बाहर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। एलिस शांत लेकिन सतर्क होकर घर लौटती है और वह
मुखर मजबूत और बदली हुई है। माइकल को एलिस की उपचार के बाद ही उदासीनता उसके प्रति दूर और ठंडे व्यवहार के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है और वह अपने रिश्ते में स्थिर और जिम्मेदार होने का आदि हो गया है। और एलिस को नव स्थापित और अत्यधिक प्राथमिकता वाली व्यवहारिक मित्रता द्वारा उचित रूप से अपेक्षित महसूस करता है। वह इस तथ्य में से नाराज है कि माइकल घर पर सामना करने की उसकी क्षमता से बाहर हो गया है, और फिर भी जब भी वह अपने प्यार और चिंता को व्यक्त करता है तो उसे बाहर कर देती है। और अपने अलगाव को स्वीकार करते हुए अनिच्छुक माइकल एलिस के सुझाव पर सहमत होता है और दोनों एक विवाह परामर्शदाता से मिले जो माइकल के व्यवहार को एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक बहस के दौरान एलिस कबूल करती है कि वह माइकल की एक समस्या और एक सहायक पति बनने के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छा उसकी त्वचा खराब कर देती है। और माइकल बाहर चला जाता है और एलिस बच्चों के साथ अपने घर में रहती है। और माइकल अपने रिश्ते में आए बदलाव को समझने में असमर्थ है और शराबियों के जीवन साथियों के लिए सहायता समूह की तलाश करता है। प्रारंभ में शर्मिला माइकल समूह का अधिक मुखर सदस्य बन जाता है और अपनी पत्नी के संयम का उस पर उसके बच्चों को और उसकी शादी पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति अपनी समझ की कमी पर अपना दुख साझा करता है। एलिस और माइकल एमी के बच्चे का जन्म का जश्न मनाने के लिए अकेले ही अस्पताल लौटते हैं और वे एक साथ समय बिताते हैं। और जैसे ही वे विदा होते हैं और एलिस माइकल से पूछती है कि क्या वह उसके 180 दिवसीय शांत भाषण में शामिल होगा, और जहाँ वह अपनी विफलता और उपलब्धियों को स्वीकार करेगी। और वह उससे यह भी कहती है कि वह उसे अपने साथ घर लाने आने जाने के लिए कहने से के बारे में सोच रही है। माइकल ने एलिस को बताया कि उसे डेनवर्स में नौकरी की पेशकश की गई थी, और पहली बार जब से वे दोनों सहमत हुए तो एलिस को पुनर्वसन में प्रवेश करना चाहिए और वे दोनों सहमत हैं। माइकल को